एंड गाइस मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि इससे ज़्यादा किसी गंदी गाड़ी हो नहीं सकती। क्या देख सकते हो अंदर से हालत क्या हो रखी है। एंड भाई दूसरी चीज़, कल उसमें से निकाली थी, उसके बाद भाई हालत दिख रही होगी कितनी गंदी है। तो एक बार है उसको, भाई देखो वैसे मैं गाड़ी कभी भी बाहर धुलवाता नहीं हूँ अपनी, बट आज जो है अंदर अंदर तक रेत गया हुआ है, देख सकते हो ना, अंदर अंदर तक रेत जो है इसमें गया हुआ है। तो अब जो है मेरे को भाई गाड़ी पूरी धुलवानी पड़ेगी, बिकॉज गाड़ी की हालत है बहुत ज़्यादा गंदी होगी। चार्ज तो 400 रुपये लगेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ धुलवानी भारी पड़ेगी। तो मैं वहाँ जाकर उनको डायरेक्शन दे दूंगा भाई कैसे कुछ जो है साफ़ करनी है गाड़ी। एनीवेज अब चलते हैं, पहले बैंक में मेरे को छोटा मोटा सा काम है एंड उसके बाद जो है मैं इसको वॉश कराऊंगा। सो गाइस गाड़ी की ओ भाई साहब अंदर धूल ही धूल आ गई रे पूरी गाड़ी में। सो गाइस ये देख सकते हो भाई गाड़ी की हालत क्या हो रही है, मतलब एक गाड़ी पे कम से कम नहीं तो भाई 15 जने चिपक गए। और ये देख सकते हो भाई क्या हाल हो रहा है, बैठांगा तो भाई देखा आप लोगों ने हालत क्या हो रही थी, मतलब पूरी तरह से लिंबड़ गए थे कई सारे। सो गाइस यहाँ पे भाई अपनी गाड़ी पार्क करती है और इसकी एक मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, आपको पता ही होगा जैसे आप इसको लॉक करते हो तो भाई अपने आप जो है इसके शीशे चढ़ जाते हैं, तो ये वाली टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। वो देखो वो शीशा भी चढ़ रहा है अपने आप, तो भाई ये वाली टेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप शीशे भूल जाते हो ऐसा कुछ। गाड़ी पूरी ब्लॉक हो जाती है, लॉक हो जाती है। एनीवेज अभी जो भाई HDFC जा रहा हूँ उसके बाद जो है गाड़ी धुलवाऊंगा, तो अब मैं मिलता हूँ डायरेक्ट गाड़ी धुलवाने पे। गाइस गाड़ी लग चुकी है यहाँ पे वॉशिंग के लिए, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। और हेलो हेलो, अरे नीटू भाई मैं ये देख सकते हो भाई अपनी गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है धुलनी। और इधर से अगर मैं दिखाऊं तो भाई बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो अब मैं पहली बार इसको बाहर धुलवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने धुलवाई थी, बट हाँ अभी कई दिन बाद जो है गाड़ी को बाहर धुलवाने लग रहा हूँ। तो एक बार साफ हो जाती है, उसके बाद लेट्स सी कि साफ कैसी होगी, क्या कुछ होगी, और ऊपर चढ़ा के साफ करवाऊंगा, बिकॉज भाई नीचे से इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है एंड ये लोग तो ऊपर से अच्छे साफ कर सकते हैं, उनका प्रेशर अलग ही लेवल का होता है। तो एक बार साफ हो जाए एंड उसके बाद मिल सी। भाई अपनी गाड़ी जो है धुलनी स्टार्ट हो चुकी है और मेरा दिल वैसे दुख रहा है बहुत ज़्यादा इसको धुलते हुए देखते हुए। रीज़न उसका ये है कि भाई गाड़ी को जो है ये लोग ऊपर से मतलब साफ कर रहे हैं और नीचे से ऊपर वही सेम कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ये तरीका नहीं होना चाहिए। आपको दिख रहा होगा, खैर गंदी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरे को ज़रूरी थी। अभी जाते ही जो है इस पर मैं वैक्स मारूंगा, अपने पास जो वैक्स पड़ी है लस्टर वैक्स। सो गाइस ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड इसी के लिए मैंने जो है गाड़ी बाहर धुलवाई थी, बिकॉज नीचे का जो रेत है वो मैं नहीं उतार सकता घर पर। एंड आपको भी एक आधी बार भाई अपनी गाड़ी है धुलवाई लेनी चाहिए बाहर सर्विस सेंटर पे, बिकॉज नीचे कई बार रेत है और आप वॉश करते हैं उससे वो रेत नहीं उतर सकता, जिससे कि रस्ट वस्ट जैसे जो है इशू आ सकता है। तो ये चीज़ के लिए मैं स्पेशली लाया था। चार्ज वार जो है 200 रुपये लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो इट्स गुड। अभी घर जाके जो है इस पर वैक्स मार लूँगा एक बार, तो गाड़ी एकदम वापस वैसे की वैसी रिस्टोर हो जाएगी। और देख सकते हो कितना रेत निकल रहा है भाई, रेत की पूरी पूरी बंडल के बंडल निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रेत जो है गाड़ी में लगा हुआ था। मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे, बट हाँ ऐसी कई सारी जगहें थी जहाँ से मेरे को लगा कि वहाँ से मैंने अच्छे से नहीं करा, तो वापस जो है मैंने ये कपड़े से माइक्रोफाइबर क्लोथ से पूरी गाड़ी पे मार रहा हूँ। तो भाई अब जो है गाड़ी पूरी साफ़ हो चुकी है एंड कल की जो भसड़ थी उसके बाद जो है भाई फाइनली अपनी द एक्स पे वो ही बैक लुक्स आ चुके हैं, नहीं तो कल जो मैंने थ्रिल करे थे ना तो उसके बाद ही गाड़ी की हालत बड़ी बुरी हो गई थी। नमस्ते अंकल जी। बाबू मैं ठीक हूँ, अंकल जी आप ठीक हो? तो गाइस ये खड़ा भाई अब मन्नू अपने साथ, कैसा है भाई? बढ़िया है। अब आज इसको मैंने एक नया काम सिखा रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ भाई मेरी जो गाड़ी है उसको वैक्स कर दे। आज से पहले करी है? नहीं, कभी नहीं करी, फर्स्ट टाइम कर रहा है। आज मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो भाई मैं पहले आपको दिखा दूँ, बेसिकली लस्टर वैक्स है, यहाँ से दिख रहा होगा, क्लीनर एंड पॉलिश। क्लीनर एंड पॉलिश से मतलब है कि भाई क्लीन भी कर देती है एंड फिर वैक्स भी मार देती है। तो अब देख मैं दिखाऊँ पकड़े बड़े कपड़ा। सो गाइस माइक्रोफाइबर क्लोथ से आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा ही होगा कि हमने साफ करा था, पकड़े बड़े गाइज। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये आपका स्पंज है, ठीक है? इस स्पंज पे आपको थोड़ा सा ऐसे लेना होगा ये, ठीक है? और उसके बाद इसको ऐसे ऐसे करके पूरी गाड़ी में मतलब इवनली पूरी गाड़ी पे स्प्रेड करना है, इवनली पूरी गाड़ी पे आपको ऐसे स्प्रेड करना है। और ले लो थोड़ा सा, मेक श्योर पूरी गाड़ी पे ऐसे इवनली एक बार स्प्रेड कर दो आप। चला जा भी कर, आ गया समझ में भाई? यहाँ पे बन्नू को दे दिया है मैंने और देख के कि इवनली थोड़ा सा प्रेस कर, हाँ ऐसे ऐसे, वेरी गुड। झुक झुक के देख कि कहीं से निकल ना रहो, मतलब कहीं छूट ना जाए। कई सारी प्यारी हैं, कई सारी प्यारी हैं। तो
भाई अभी देख सकते हो गन्ने का जूस के लिए हमने रुका ही रेडी यहाँ पे। और मेक श्योर भाई आप लोग गन्ने का जूस जूस पियो। एंड द एक्स के बगल में देख सकते हो कितनी सेक्सी लग रही है ना। तो भाई ये है कतई देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ ऐसे जनरेटर से सारा का सारा चलने लग रहा है। तो ये देख सकते हो। सो गाइस मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी, मेरे साथ बीती होगी। एनीवेज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसको इसको ऐसे ऐसे रब करना है एंड जितना ज़्यादा रब करेगा उतना ज़्यादा भाई जो है गाड़ी शाइन देगी। तो एक बार अभी मन्यू से जो है मैंने पूरी पहले तो पेस्ट करवा ली थी, अब जो मैं उतरवा रहा हूँ इससे तो भाई ये मेरे से रिश्वत ले रहा है चॉकलेट की है ना। तो भाई एक चॉकलेट इस तरह से नहीं। और ये देखो पेंट निकल रहा। अरे ये वैक्स निकल रही है जो तुमने लगाई थी, तो वैक्स तो निकलेगी। तो गाइस ये देख सकते हो भाई हो गया स्टार्ट और उसके बाद फाइनल पे एक बार मैं पूरी पे मार दूंगा। अभी जो है मैंने एक बार बस वैक्स उतार दे पूरी पे से। और सुन वहाँ वहाँ से उतार जहाँ से तूने सबसे आखिरी में इस तरफ मारा है ना, तो इधर से सबसे बाद में उतारियो ठीक है भाई। इसने वैक्स मार दिया, अब इसकी डिमांड है कि इसको चॉकलेट दिला के लाऊं मैं। और गाड़ी देख सकते हो भाई चमक रही एकदम, लड़के ने चमका तो दी है गाड़ी। तो अब इसको मैं चॉकलेट दिला के लाऊंगा। और है मैंने चॉकलेट में बिक गया तू अभी लग जाता है चौक लगा हुआ है वो एक बार ही लगता है चौक बस। अब ऑन कर मैं निकालता हूँ। तो भाई एक बार मैं अंदर रख देता हूँ क्योंकि इससे नहीं निकल रही है। और देख सकते हो अपनी एक्स क्या धाकड़ चमक रही है एकदम बढ़िया वाली। ये रहे पापा चलाते हैं। तो भाई लिख के बताओ कैसी लग रही है वैक्स होने के बाद। एंड नेक्स्ट जो है भाई टायर स्टिकर्स के बारे में सोच रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन लिख के बताओ कि भाई टायर स्टिकर जो है लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए एंड कैसे लगेंगे ठीक है। तो ऐसी कुछ लग रही है अपनी वैक्स। तो भाई ये देखो ये बिक गया है लड़का, चॉकलेट में बिका है, 100 रुपये की चॉकलेट है बस इतने सस्ते में। और ये लिए भाई एक मैगी ले पकड़ कितने मिनट 145 हो गया नहीं 200 रुपये इवेंट 50 रुपये हैं मेरे पास। ये लो 100 दे दो उल्टे। हेलो मैंने कुछ चॉकलेट वॉकलेट ले लो नहीं तो टॉफी वॉफी अरे मुझे अगर पैकेट दे दो कोई 5-1 रुपये का। हाँ ले ले मेलेडी ले ले। तो भाई ये परवीन है, नाम बताओ पहले अपने अपने के करके सारे। परवीन भाई तेरा तो भाई ये तीनों आए थे अभी सुबह सुबह और कई बार मिल चुका हूँ इनसे। भवानी कहीं है भाई हैं अपने, सब्सक्राइबर नहीं भाई हैं। अच्छा गाड़ी कैसी लग रही है? अलग क्या हुआ इसमें, आज अलग क्या दिख रहा है? नंबर प्लेट है इस पे चलान है? ये तो पता नहीं है। चलान है इस पे? ये देख रही ओरिजिनल वाली अंदर रखी, ये दिख रही है अंदर वो पड़ी हुई, वो देख नीचे कपड़े के नीचे। हाँ हाँ चार वो ना वो वाली ओरिजिनल होती है। को मैंने उसके ठिकाने पे छोड़ दिया है। कहाँ है तेरा ठिकाना? बोंद। ठिकाना बोंद कला? तो भाई ठिकाना बोंद कला और ये खड़े पिंटो है नीचे। अबे आप तो नीचे से भी ऐसे लग रहे हो ऊपर खड़े हो इतना लंबा। और वो खड़े पीछे मित्र मामा और वो दोनों ना कोई ना। तो भाई गन्ना खा रहे हैं वहाँ पे। और ये देखो गाय बंदी हुई भैया, क्या क्या नाम है इनके भाई? सॉरी क्या नाम है इनके? नाम बता भाई मामा। तो भाई अभी नामांकन नहीं करा, जब होगा तो सारे वो 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 घर की है अपने तो। किसकी? नाना ने पाली थी। अच्छा भाई वो मेरे को देखे जा रही हो, मेरे को कह रही है तू मत आई हो मेरे पास में। पर भाई ये दूसरी है। और भाई अब आपको एक मैं करोड़ों का माल दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको डाका डालना होता डाल देना। ये देखो करोड़ों का माल पड़ा है, ये रहा करोड़ों का माल भाई। अमेजोन पे ये इतने महंगे महंगे बिकते हैं, तो आप लगा सकते हो अंदाजा कितने करोड़ों का माल है ऊपर ये। और ठीक है भाई